तो भगवान शंकर से कहना अगर बीच में कोई त्रुटि हो गई हो, सावन के महीने में कोई पूजा अधूरी रह गई हो, कोई त्रुटि हमसे हो गई हो और हम जल नहीं चढ़ा पाए हों, तो आखिरी दिन सावन के इत्र का जल चढ़ा देने से बाबा उस त्रुटि को समाप्त कर कर कामना पूर्ण करते हैं। शिव समाप्त। तो शिव महापुराण में पद्म पुराण के पताल खंड के सातवें और नवे अध्याय में लिखा हुआ है, मान लो अगर आपका दान पुण्य आपके खाते में नहीं जा रहा है तो फिर शास्त्र कहता है कि आप गले में रुद्राक्ष पहन लो या तुलसी की माला पहन लीजिए, फिर तो आप जो दान करेंगे वो आपके खाते में जाना प्रारंभ होगा। गले में या तो रुद्राक्ष का एक मनका या माला कुछ भी अगर आपके गले में पड़ी, रुद्राक्ष की एक मनका या एक माला भी आपके गले में पड़ी हुई है या तुलसी की माला का एक मनका या तुलसी की माला भी आपके गले में पड़ी है तो उसका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा, उसका फल आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगा। माला फिर आप जो दान करेंगे, पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, फिर आप जो भी कर रहे होंगे उसका फल आपको मिलेगा, चाहे आपको प्राप्त होगा। प्रत्येक शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रत्येक शंकर के मंदिर में शंकर जी पे चढ़े हुए जल को आप आचमन कर सकते हो, प्रत्येक शिव मंदिर का। केवल एक शंकर भगवान का शिवलिंग ऐसा होता है जिसके ऊपर चढ़ा हुआ जल का आचमन अपन नहीं करते, वो होता है पारत का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग। कौन सा शिवलिंग है? पारत का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग। एक शिवलिंग भारत का ऐसा होता है जिस पे चढ़े हुए जल का आचमन अपन नहीं कर पाते, बाकी के जितने शिवलिंग है, जितने शंकर भगवान के स्वरूप है, पाषाण का हो, लकड़ी का हो, जिस भी स्वरूप में हो, हीरे का हो, पन्ने का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, एल्युमिनियम का हो, लोहे का हो, जो शिवलिंग है, कांच का हो, स्फटिक का हो, जो शंकर भगवान के शिवलिंग है, हम उसका आचमन कर सकते हैं, हम उसको पी सकते हैं, हम उसका आचमन कर सकते हैं। केवल एक पारत का शिवलिंग ऐसा होता है, पारे का शिवलिंग ऐसा होता है जिस पर चढ़ा हुआ जल का हम आचमन नहीं कर पाते। उसी तरह जैसे पारे पर चढ़े हुए जल का आचमन साधारण मनुष्य नहीं कर पाता, उसी तरह भगवान शंकर के चरित्र को, भगवान शंकर के स्वरूप को, भगवान शंकर के स्वरूप को साधारण मनुष्य नहीं पहचान, बहुत कठिन है भगवान शिव को पहचान, बहुत कठिन, शिव को जानना बहुत कठिन। जो बिगड़ी बना दे वही तो शिव है, जो हमारे कष्टों को हर ले वही शंकर है। आइए हम सभी पूज्य गुरुदेव द्वारा शिव महापुराण में लिखे हुए उपाय जो बताए जाते हैं उसमें इस संसार के ना जाने कितने लोगों को आराम लगा है, ना जाने कितने लोगों की दुनिया बदल गई है, ना जाने कितने लोगों का भरोसा भगवान पर उनकी ज़िंदगी संवार दी है। तो आइए हम सब भी पूज्य गुरुदेव द्वारा जो उपाय बता रहे जा रहे हैं सावन के महीने में वो करें और भगवान के श्री चरणों में अपने जीवन को समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय। यह उपाय आप सभी अपने मित्रों, अपने परिवारजनों तक शेयर करें जिससे कि वो इन उपायों को सुनकर जो उनके कष्ट हैं वो इन उपायों को कर भगवान को समर्पित करें और भगवान उन पर कृपा करते हुए उनके कष्टों का हरण करें।